हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जाने वाले हैं घूमने अपने दोस्तों के साथ लखनिया दरी। यहाँ का एक वाटरफॉल है, बनारस से थोड़ा सा पहले है, बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है, तो वहाँ पे चलते हैं घूमने। वो सब देखिए आ गए हैं, आज चलेंगे हम लोग इस गाड़ी से क्योंकि हम लोग हैं काफ़ी लोग। बन गया पंचर? जाने से पहले थोड़ी सी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई थी। बाकी यहाँ पे आप सबको दिखा दूँ, यहाँ है हमारे मोहित भाई, आज इन्हीं की गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं घूमने, और उसे तो पहचाने रहे हो आप सब, और ड्राइवर अपने हैं। चल चलते हैं। तो गाइस आज का सीन देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ चलो, थोड़ा घूम रहे थे तो सोचे कुछ पैसे निकाल रहे, क्योंकि बिना पैसे के घूमना भाई पैसा ही पैसा हो गया। पैसा आ गया है भाई, लो अब पार्टी होगा, उधार देना है भाई। तो भाई अब सब कुछ सेट हो चुका है, अब एक दोस्त और हैं, चल के रावसगंज से उनको लेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे लखनिया दरी। और यार गाइज लुक थोड़ा मेरा चेंज लग रहा होगा, मैंने जो है बाल भी थोड़ी कटिंग करवा ली है और साइड की दाढ़ी वाढ़ी, तो फिर बताना यार पहले ठीक था या फिर अब ठीक है, क्या मोहित भाई? भाई बहुत तगड़ी लग रही है, उस टाइम तगड़ी भी थी, इस टाइम भी। चल झूठा दल्लू। अरे पहले से भाई एकदम थोड़ा अलग लुक लगा है पहले। तुम सबकी बातों को नहीं मानेंगे, ऑडियंस जो कमेंट करेगी उसमें मानेंगे, तो भाई बताना जरूर की मेरी ये वाला लुक कैसा लग रहा है। हम लोग घूमने का प्लान बना है भाई, अभी जा रहे हैं घूमने बनारस। अरे भाई तो गाइस हम लोग जहाँ घूमने जा रहे हैं ना, वहाँ का सीन बहुत मजेदार है। दीपेंद्र तुम्हें क्या लगता है आज कितना बोनस बनाओगे? चल भाई 2000 तक का काम करे, ठीक है, ऐसा वो बना मतलब रील्स मजा आ जाए। चलो देखते हैं, क्योंकि लोकेशन काफी मस्त है, तो फिर सात बंदा काम अच्छा कर जाए, देखते हैं। फिर फिलहाल आ चुके हैं हम लोग बड़ौली चौक, स्वर्ण जयंती चौक, बड़ौली चौराहा इसको बोलते हैं। बहुत टाइम वेट करवाए आज, खाना खा रहे थे। खा लिए ना भाई अच्छे से? बहुत अच्छे से भाई, कब भाई से खा रहे हैं, एक घंटे से। कैसे खाए भाई, रिपीट भी लगाना है, कैसे खाए? हम इसको लगाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो कहीं बिता दी। सौरभ भाई ये वाला लुक कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, दम डेंजर, दम डेंजर, दम डेंजर। डेंजर तो भाई वो वाला था नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, स्वीट एंड स्वामी टाइप वाला, बच्चे जैसा हो गए भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं लखनिया दरी। तो गाइस यार पूरा सीन ही गड़बड़ हो गया, यहाँ पे जो है 6 महीने से बंद चल रहा है और हमें पता ही नहीं था। ये देखो वर्ष 2022 में चुनाव दरी में स्नान करते समय अब तक 9 लोगों को डूबने से मृत्यु हो चुकी है। तब भाई लोग यार 6 महीने से बताओ बंद चल रहा है और हम लोगों को पता नहीं था। तो यार गाइस पूरा सीन ही गड़बड़ हो गया, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्या बताएं, घूमने आए थे बट यहाँ पे घूम नहीं पाए। पानी वाला सिस्टम चालू है? नहीं, पानी वाला बंद है ना। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग नहीं घूम सकते, एकदम बैन है यहाँ पे, PSC जो है वो लगी हुई है, अंदर कोई नहीं जा रहा है। 6 महीने से जो है ये बंद चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 महीने के पहले पता है मतलब इस साल 2022 में 9 लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पे डूबने से, नहाने से। तो यार ऐसे जगह नहाया मत करो, मुझे खुद डर लगता है लेकिन बहुत लोग नहाते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पता नहीं होता कि गहराई कितनी है, पानी कितना है, तो यार ऐसे जगह पर नहाने से बचा करो। और बाकी जो है अब गए नहीं है तो फिर अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ होता है या फिर नहीं। बाकी सीन देख लो, यहाँ पे ये था।
भाई। तो यार गाइस फेल हो चुका है प्लान, कोई दिक्कत नहीं है, वापस जाते हैं घर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना। ब्लॉग क्या पसंद आया कुछ दिखाए नहीं, जानकारी तो मिली ना। हाँ चलो ठीक है, मतलब इधर के आसपास के हो ना तो फिर भाई मत घूमने आना, बंद चल रहा है फिलहाल। चलो फिर कमेंट करके बताओ दाढ़ी कैसी लग रही है। करें कल कर करो। तो गाइस हमने एक बीक्यू वाला ना टॉस किया कि अब कहाँ चला जाए, तो फाइनली हमने जो है टॉस में आया कि हम लोग विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे बनारस। तो अब हम लोग चलते हैं बनारस, चलो कम से कम यहाँ नहीं तो अब वहाँ चलते हैं। तो गाइस हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग चलेंगे वीटी टेम्पल घूम लेंगे। वैसे किस्मत में जो होता है ना भाई, मतलब वो हो जाता है। प्लान कोई नहीं था कि आज हम लोग वीटी घूमेंगे, बट आज हम लोग वीटी घूमेंगे। चलिए जल्दी से पिज्जा खाते हैं उसके बाद चलते हैं। हॉट कॉफी, हॉट कॉफी। बाकी अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है और ये हम लोग हैं दूसरे फ्लोर पर। ये देख सकते हो रेस्टोरेंट है कौन सा, ट्रिपल आर। भाई साउथ वाली मूवी देखे हो ना, बस वही वाला। क्या दिक्कत आ रही बता? सोनू का दिक्कत यार, सोनू बोल रहा है कि टोल टैक्स दिया 200 रुपए। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट पे देख सकते हो, यहाँ पे काफी लिए हैं और भाई का बहुत अच्छा सर्विस रहा। भाई हाथ मिला लो, थैंक यू भाई। यहाँ पे आना तो खा पी के जाना, यहाँ पे अच्छा सर्विस मिलता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग डलवा रहे हैं पेट्रोल। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बनारस में। बनारस का तो देख ही सकते हो हमेशा ट्रैफिक जाम। मत बजाओ भाई, सब निकलेंगे धीरे धीरे। तो गाइस फाइनली हम सब आ गए हैं विश्वनाथ टेम्पल। क्या हो रही है मीटिंग भाई? मजा आ रहा है। कोई सेंस है इस बात की? सौरभ भाई, सौरभ भाई अंदर दर्शन करने तो जाना नहीं है, बार बार घूमना है, मजा लेना है बस। जय भोलेनाथ, अपना कृपा बनाए रखिएगा। बड़े हरामी हो बेटा। जूता पहन के मंदिर परिसर में जो है प्रवेश कर गए आप लोग? मैं भी अंदर नहीं गए, बाहर प्रेस वर्जित मना है, मंदिर में प्रेस वर्जित मना है, ग्राउंड में घूम। जहाँ तक वर्जित है उसके आगे ना। ये है विश्वनाथ टेम्पल जो कि है मतलब ये BHU में। क्या मस्त सनसेट हो रहा है, देख रहे हो कितना मस्त लोकेशन आ रहा है। चलो गाइस फाइनली हम लोगों को घूमना था तो आ गए, वहाँ का प्लान फेल हुआ लखनिया तरीका, तो क्या से बेटी आ गए यहाँ पे घूम लिए, मजा आ गया भाई। बहुत दिन बाद आ रहे हैं हम, जब कॉलेज में पढ़ते थे ना। यहाँ पे काशी विश्वनाथ के बारे में दो शब्द बताना चाहूँगा। यहाँ पे काशी विश्वनाथ आप लोगों को पता होगा कि ये भारत के जो UP में स्थित है, और यहाँ पे जो है 8 मार्च 2019 को मोदी जी ने कॉरिडोर का यहाँ पे उद्घाटन किया था। तो कॉरिडोर पे उद्घाटन किया था, अभी आप लोगों को हम लोग पीछे का व्यू नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा है। जो भारत का ऐतिहासिक कॉरिडोर यहाँ पर बन चुका है, जो अभी हम लोग बाद में कभी आएंगे तो दिखाएंगे, अभी आप लोगों का बाहर का मेन गेट का व्यू दिखा देंगे। विजय भाई आप दिखा रहे हैं। गाइज हम लोग यहाँ पे घूम लिए हैं, अब यहाँ से जो है शाम होने वाली है, अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। बहुत अच्छा लगा यहाँ का, ठीक है, अच्छे हो। तो गाइज हम सब यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। अब बताओ ब्लॉग पसंद आया, ठीक है, अब पसंद आया तो अब लाइक करो, अब शेयर करो और कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। अब जाके फाइनली हो पाया आप लोग, तो हमको लगा था कि वहाँ घूमने गए भाई, उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन होने का कुछ भी हो सकता है अगर अंदर हौसला हो तो। जेब में मनी हो तो भाई कुछ भी हो सकता है, हौसला की बात नहीं है।